नीट पीजी 2023 या फिर नेक्स्ट 2023, ये एक बर्निंग टॉपिक हो रहा है क्योंकि ये सडनली ये एक वायरल जैसा हो रहा है कि अगले 2023 का नीट पीजी होगा या फिर नेक्स्ट एग्जाम होगा। माइसेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, नीट हो रहा है या फिर नेक्स्ट होगा, इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। देखिए, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का कोई भी भरोसा नहीं है, चाहे वो नीट पीजी हो चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम हो, मिनिस्ट्री कुछ भी कर सकता है। लास्ट मोमेंट में भी आपको बता सकते हैं कि इस साल नीट नहीं होगा, नेक्स्ट होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा मीटिंग चल रहा है और जो है कि ये नीट होगा नेक्स्ट होगा अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी भी कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मान के चलिए नेक्स्ट होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन मिनिस्ट्री कभी भी इसको इम्पोज कर सकता है क्योंकि पिछले बार भी हम लोग देखे, 2021 देखे, 2022 का काउंसलिंग अभी देख रहे हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अगर अभी फिलहाल ये भी बात हो रहा है आपका एग्जाम जनवरी में होगा या फिर मार्च में होगा, इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन मान के चलिए आपका एग्जाम जनवरी होगा, क्योंकि जनवरी में अगर एग्जाम होगा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मार्च के लिए एग्जाम होगा तो आपका स्ट्रेटजी जो है थोड़ा अलग होगा, लेकिन बात यह है आप किसी भी, चाहे वो NMC हो, चाहे वो NB हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, जो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी आपको चुना लगा सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप सबको भूल जाइए, NMC को भूल जाइए, NB को भूल जाइए, मिनिस्ट्री को भूल जाइए। क्यों भूलना है? क्योंकि ये आपको बर्बादी करेगा और कुछ नहीं, इसीलिए उनको भरोसा पे मत रहिए। चाहे वो नीट हो, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वो एग्जाम जनवरी हो, चाहे वो एग्जाम मार्च में हो, आपका प्रिपरेशन जनवरी के लिए ही होना चाहिए। नीट हो नेक्स्ट हो, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, जो इंप्लीमेंट करेगा उसी का आप एग्जाम देंगे, क्योंकि जो आपका स्टडी मटेरियल्स है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि आप अगर नीट पीजी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है आप 19 सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट मास्टर जैसा पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा। नीट पीजी जैसा होगा, नेक्स्ट भी होगा, तो सब्जेक्ट वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, इसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नीट और नेक्स्ट के बीच में फंस गए, जनवरी और मार्च के बीच में फंस गए, हम बोल रहे हैं आप किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते। NMC, NB एंड मिनिस्ट्री कभी भी कुछ भी आपको पब्लिश कर देगा कि नीट होगा नेक्स्ट होगा, कुछ भी कर देगा, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं है, क्या कुछ बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, इसमें फोकस नहीं करना है, क्या मीटिंग हो रहा है छोड़ दीजिए, ये आपका मतलब नहीं है। क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में, जैसे नीट पीजी का भी मीटिंग्स बहुत हो रहा था, लास्ट मोमेंट में कोर्ट में डाल दिए हैं और कोर्ट में वही बोला गया है जो गवर्नमेंट बोल रहे थे कि पेशेंट केयर के लिए एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर दिया गया, तो डेफिनेटली नहीं हुआ, बहुत स्टूडेंट को तकलीफ हुआ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपका लाइफ बर्बाद होगा, किसी का लाइफ बर्बाद नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका लाइफ बर्बाद होगा। इसीलिए आपको जिम्मेदारी लेना है कि आप सबको भूल जाइए, आपको सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ पढ़ाई करना है और जनवरी को टारगेट करके ही पढ़ाई करना है। अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो बेनिफिट है, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं नीट पीजी कुछ भी कर रहे हैं, नीट पीजी के साथ कुछ भी हो रहा है, काउंसलिंग जैसे तैसे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप उनके ऊपर भरोसा पे मत जाइए। कितना सारा पीजी सीट्स पिछले साल का, कितना पीजी सीट्स खाली गया है, इसका काउंसलिंग नहीं किया गया है, अभी तक 2022 का काउंसलिंग शुरुआत नहीं किया गया है। बहुत एडमेंट थे कि एग्जाम डेट में लेंगे, रिजल्ट पहले दे देंगे और जो काउंसलिंग है बहुत अच्छा से करेंगे, अभी तक जो डेट, जो शेड्यूल आया था, शेड्यूल को कैंसिल करना पड़ा, पता ये क्या है। तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने पढ़ाई पर भरोसा कीजिए, अपने खुद पर भरोसा कीजिए और आप पढ़ते रहिए। जनवरी का एग्जाम लेके आप पूरा एफर्ट से अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं तो बाद में आपको आप बहुत पछताएंगे और कोई नहीं, आपका ही लॉस होगा और किसी का कुछ नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली आप बहुत जो है खुद को समझिए, सिचुएशन को समझिए, क्या होने वाला नहीं होने वाला ये आपका हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई लॉजिक आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि जब एग्जाम का डेट दे देगा, एग्जाम ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्या किए नीट पीजी का, इतना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें वैलिड रीजन भी बहुत था, आप
कोई भी रीजन ला के दे दीजिए, नहीं होगा। आपका बात कितना माना जाएगा नहीं, इसका भरोसा पे मत रहिए। आप अपना पूरा प्रिपरेशन शुरू कीजिए, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जनवरी में हो, चाहे वो मार्च में हो, आप अपना पूरा स्पीड से पढ़ाई शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।